हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। तो गाइस कल आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है एंड सबसे पहले तो लेट मी टेल यू जिनका पेपर क्लियर हुआ है मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और जिन लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ है उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ दैट एनी एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ, यू माइट हैव फेल्ड, दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन में कोई सक्सीड करेगा और कोई फेल होगा, ये तो कानून है, ठीक है। और जो फेल हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओके। इवन समटाइम्स हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ करके जाते हैं कई बार उनका पेपर नहीं क्लियर होता, ओके। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि बड़े से बड़े जो क्रिकेट प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, दे ऑल्सो गेट आउट ऑन जीरो। तो आप ये समझ लो कि बस उस दिन आपका दिन नहीं था, ठीक है। इट वॉज नॉट योर डे एंड अल्टीमेटली यू कुड नॉट मेक इट, बट इट डज नॉट मीन दैट यू आर वर्थलेस, यू आर यूजलेस। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जनरली बच्चों के मन में कि यार मैंने तो इतनी तैयारी की फिर भी मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब मैं कर ही नहीं सकता। तो उस हिसाब से तो अगर कभी भी ये विराट कोहली वगैरह फॉर्म से बाहर जाते हैं तो इनको क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए, ये सोच करके कि ये डिजर्व ही नहीं करते, ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। यू गेव योर बेस्ट, देखो कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं और उसको इम्प्रूव करो। उसके लिए भी हम बात करेंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे फॉर दोज हु वांट टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम या फर्दर। जिनका नहीं क्लियर हुआ उनके साथ हम चर्चा करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। दिस वीडियो इज मेनली फोकस्ड फॉर जो NABARD ग्रेड ए फेज 2 2022 के लिए अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं। तो कुछ यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं होगी, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, 5-7-10 मिनट की बातें हैं जो मैं आपके साथ करूँगा और अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा अपना दुख प्रकट करना चाहूँगा जिन लोगों ने फेज़ 2 तो क्लियर कर लिया है लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते, टीचर्स की बात नहीं मानते और उन्होंने पिछला 1 महीना जो कोई तैयारी नहीं करी। ऐसे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे हैं। मेरे पास पर्सनली टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी आए कि सर मैंने तो तैयारी छोड़ दी थी कि मेरा पेपर क्लियर होगा नहीं और अब मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया, अब मैं क्या करूं। तो अब बेटा कुछ देखो, जो टाइम निकल गया वो निकल गया, आप 1 महीना पीछे हो गए हो, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो लेकिन साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। अगर एक बार पेपर क्लियर हो गया उसके बाद अगर आप नहीं कर, अगर आपका गलती से क्लियर हो गया और आपने तैयारी नहीं की थी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप अपना 1 महीना खो चुके हो। तो उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बेटा उस 1 महीने को तो कोई भी वापस नहीं लेकर के आ सकता, ठीक है। तो अब ये 1 महीना बचा है, इसके अंदर जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो, लेकिन आगे से अगर कोई एग्ज़ाम देते हो तो ये वाली स्टुपिडिटीज़ मत करना। मैं इसमें स्टुपिड कहूँगा बेटा, साफ सी बात है, इडियट, स्टुपिड, जो भी टर्म आपको यूज़ करना है वो कर लो। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप हमको ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये है स्टुपिडिटी। ये स्टुपिड जब मैं प्रिपेयर करने लगा था ना, मैं भी था तब स्टुपिड, शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू की थी। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि मेरे को स्टुपिड बोल दिया, ठीक है। चलो तो NABARD फेज़ 2 की जो अभी तक हमारे पास कहानी आई है, पहले एक माइन्यूट सी कहानी समझ लो 1 मिनट की कि NABARD का जो फेज़ 2 है ये अपना जो अभी तक डेट अपने सामने आई है वो आई है 29 अक्टूबर, ठीक है। 29 अक्टूबर की हमारे पास डेट आई है। तो आज इस वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 4 अक्टूबर। तो वीडियो से आप ये लगा करके चलो अराउंड 25 डेज का आपके पास समय बचा है टू द डी डे, ठीक है। आपके एग्जाम को कितने दिन बचे हैं? 25 दिन बचे हैं बेटा। अब जो कुछ उखाड़ना है इन 25 दिनों के अंदर अंदर हमें उखाड़ना है, ठीक है। 25 दिन के अंदर काम करना है। अब पेपर हमारा 2 शिफ्ट के अंदर होता है, 3 टोटल पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जनरली किसका होता है? जो आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ठीक है। ये 90 मिनट्स का पेपर है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये 90 मिनट्स का पेपर है और पेपर 2 जो होगा आपका, ये बेटा 2 इसके अंदर एलिमेंट हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 30 मिनट्स का है 50 मार्क्स के लिए और सब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो आपका 90 मिनट्स का है, अगेन 50 मार्क्स के लिए, ठीक है, 100 मार्क्स टोटल हो गए। ऑलराइट, तो अब अगर आप देखोगे तो ये टोटल 120 मिनट का पेपर है और ये एक साथ चलेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा, खत्म होते ही बिना किसी ब्रेक के सब्जेक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको 1.5 घंटा बैठ करके टाइप करना है, चाहे पेपर वन है चाहे पेपर टू है। तो ये आपको हैबिट अभी तक वैसे तो डेवलप हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी भी नहीं हुई है तो ये 1.5 घंटा एक सिटिंग में बैठ करके टाइप करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब ये 2 घंटे का पेपर है, उस 2 घंटे के पेपर में किसी को फालतू वॉशरूम जाने का तो मिलता ही नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी करके पेपर के अंदर चले जाते हैं या पेपर के टाइम पर बहुत ज़्यादा बार बार पानी पीते रहते हैं। उनको क्या होगा, थोड़े टाइम बाद दे विल हैव अ अर्ज टू गो टू वॉशरूम, ठीक है। उस केस में आपका नुकसान होता है क्योंकि वो वॉशरूम आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। वॉशरूम आपको जाने नहीं देगा लेकिन प्रेशर आपका पूरा बना हुआ होगा। प्रेशर आपका बना हुआ होगा तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट एंड वर्क वेल, ठीक है। और अगर किसी महान एग्जामिनर ने आपको जाने भी दे दिया वॉशरूम में तो वो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये एक डिसिप्लिन के अंदर बैठ करके पेपर वन की टाइपिंग, पेपर टू की टाइपिंग, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिट एंड टाइप, लेट करके नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बेड के ऊपर लेट करके पीछे सहारा लगा करके, बढ़िया नहीं, प्रॉपर जैसे एग्जाम के अंदर आपका होगा, टेबल पे बैठो, चेयर लगाओ और उस पर पूरा 90 मिनट्स टाइप करो। वो एक आदत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने क्वेश्चंस पिकअप करें और 90 मिनट तक टाइप करें। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पेपर आपने कंप्लीट करके आना है। सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर छूटना नहीं चाहिए, पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये मेरी बात जो है दिमाग में रख लो। अगर हम बात कर रहे हैं पेपर टू की, जिसमें आपके ESI और ARD के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आने हैं, 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आपको करने हैं, टोटल 50 नंबर का पेपर है, 4 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। ये चारों अटेम्प्ट होने चाहिए बेटा, किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए। पेपर पूरे का पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। देखो क्या होता है ना, अगर आपके क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हुए तो फिर तो आप बिल्कुल ही आपका पेपर, अगर फॉर एग्जांपल आप 15 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके लिए तो पेपर 50 की जगह रही 35 नंबर का गया ना आपका, तो ये 15 नंबर का बिल्कुल स्कोप 0 हो गया। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अब 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना हो, थोड़े बहुत पॉइंट्स भी, लेकिन अगर आप लिखा होगे 2, 4, 5 कुछ तो नंबर मिलेंगे। अगर आप उसको छोड़ ही आए फिर तो वो 0 हो गया ना, फिर तो आपका 50 नंबर का पेपर 35 नंबर का पेपर रह गया, समझ रहे हो। तो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपको पेपर जो है वो कंप्लीट करके आना है, ठीक है। एक चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज पेपर टू से रिलेटेड आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो बेटा, 90 मिनट के अंदर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप पहले, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 15 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो पहले तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि 15-15 के 2 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है कि सर 15 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे, तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो जो आते थे पहले वो अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, ताकि उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर अटेन कर सको, ठीक है। लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है कि आप पहले 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जाना, ठीक है, ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो। 15 के 2 30 और फिर 10-10 के 2 50। ये एक चीज ध्यान में रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कि पेपर को घर पे अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 90 मिनट बैठ करके टाइप करो, ठीक है, और कंप्लीट अटेम्प्ट जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस मैं भी आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, रेगुलरली चेक भी कर रहा हूँ, फिर उसका हम वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड कर रहे हैं, उसको फॉलो करो, ठीक है। एक टाइम्ड मैनर के अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो स्टॉप वॉच चला करके करो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो मैं ये लेकर के चलता हूँ कि 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए पेपर के अंदर ऑन एन एवरेज। तो 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपके पास कितना इसके लिए टाइम बचा, 400 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करोगे तो आपका 400 वर्ड्स का जो आंसर है वो 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए। 20 मिनट से ऊपर का टाइम आपको नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 17-18 मिनट के अंदर ही कवर कर दो, लेकिन 20 मिनट आप मैक्सिमम अपने आप को दें एक 400 वर्ड का आंसर अटेम्प्ट करने के लिए जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप 600 वर्ड का कर रहे हैं तो अगेन 600 डिवाइडेड बाय 20 कर लें, तो 600 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करोगे तो 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है 30 मिनट। तो ये आपका टाइम होना चाहिए जो आप अपने आप को दें, एक 400 वर्ड्स के आंसर के लिए अपने आप को 20 मिनट दें और एक 600 वर्ड के आंसर के लिए अपने आप को 30 मिनट दें। इससे ज़्यादा टाइम अपने आप को मत दें। 400 वर्ड्स के लिए 20 मिनट्स एंड 600 वर्ड्स के लिए 30 मिनट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगी ये बात। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रैक्टिस से ही आप पेपर क्लियर कर पाओगे। आप पेपर बिल्कुल भी उस चीज़ से नहीं क्लियर कर पाओगे कि बस पढ़ते गए। इसी से मैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर आता हूँ। अब जो आपके पास 25 डेज बचे हैं, इसके अंदर सब्जेक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिवीजन, एंड प्रैक्टिस, यही आपके पेपर को क्लियर करने का एक श्योर शॉट मंत्र है। किताबें पढ़ते रहने से पेपर अब आपका क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। बच्चे क्या किताबों में घुसे हुए हैं, बस किताबें पढ़ लो, किताबें बच लो, पढ़ लो। ना तो वो रिवाइज कर रहे हैं, ना तो वो ये देख रहे कि जो वो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो वो करंट अफेयर का डाटा पढ़ रहे हैं, क्या वो उनको याद रह रहा है, क्या वो उसको आंसर के अंदर डाल पा रहे हैं। डाटा पता होने से कुछ नहीं होता, उसको आंसर के अंदर डालना भी एक कला है, ठीक है, उसको आंसर के अंदर घुसाना भी एक कला होती है। तो क्या वो आप डाटा को इम्प्लीमेंट, जो आपको याद किया है, वो आप उसके अंदर डाल पा रहे हो। आप नई नई किताबें पढ़ते जा रहे हो, नए नए नोट्स पढ़ते जा रहे हो, फलाने के नोट्स आ गए, फलाने इंस्टीट्यूट के नोट्स आ गए, ये करंट अफेयर आ गए, वो करंट अफेयर आ गए, किताबें पढ़ी जा रहे हो और डब्बा गुल है, ठीक है। डस्टबिन नहीं बनाना अपने दिमाग को कि बस फाड़ करके फेंकी जा रहे हो, और कुछ वो रिसाइकल बिन नहीं है, ठीक है, रिसाइकल बिन नहीं बनाना अपने दिमाग को। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आंसर्स नहीं लिखोगे, तब तक आपकी नैया डूबी समझो। आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 4 क्वेश्चन तो, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन तो कम से कम है, मिनिमम लिखने हैं एक दिन में। 400 तो मिनिमम, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम लिखने हैं, इससे कम में तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके रिवाइज करो, जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्या करें, क्वेश्चन ही नहीं पता हमें। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं टेलीग्राम के ऊपर, आप उन क्वेश्चंस को लिखो। उसके अलावा नबार्ड का ग्रेड ए का 2021 का पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, एग्रीकल्चर का और ईएसआई का। उसके अलावा क्या करो मैं बताता हूं, जितनी आपकी ईएसआई की स्कीम्स हैं, जितनी आपकी एआरडी की स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, हर स्कीम को अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर के फैक्ट्स याद करो और फिर लिखो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MIDH, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस तरीके से क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी स्कीम्स तैयार हो जाएंगी, और वो जब आपकी स्कीम्स तैयार हो जाएंगी, वो आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हेल्प करेंगी, और सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको उस स्कीम से रिलेटेड जब आंसर के अंदर पॉइंट्स डालने होंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितनी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, सबके ऊपर नोट लिख दो। अब कोई छोटी स्कीम है, जरूरी नहीं है कि हर स्कीम के ऊपर 400 या 600 वर्ड का ही नोट लिखना है, 100 वर्ड का नोट लिख लो, 200 वर्ड का नोट लिख दो, ठीक है। लेकिन टाइम अपने आपको फिर उतना देना है। 200 वर्ड का नोट लिख रहे हो, 200 डिवाइडेड बाय 20, 10 मिनट के अंदर वो नोट खत्म हो जाना चाहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है आप फॉलो करो। स्कीम्स लिखो, क्वेश्चंस जो मैं टेलीग्राम के ऊपर दे रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर में से खुद से क्वेश्चंस बना करके लिखने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके, ओके। सफिशिएंट क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, और मैं तो प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ में वीडियो भी आपको देता हूँ उसके बाद सोल्यूशन की यूट्यूब के ऊपर, तो वो एक अच्छा सोर्स है। टेलीग्राम के ऊपर हम क्वेश्चन आपको देते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ओके। ये आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, जब आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी 50 नंबर का है, इसके ऊपर सफिशिएंट ध्यान रख के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी तैयारी आप ऑलरेडी फेज 1 के टाइम पर कर चुके हो ऑब्जेक्टिव पार्ट की, उसको रिवाइज करना है, ठीक है, क्वेश्चंस जितने हो सके प्रैक्टिस करने हैं। टाइम अपने आप को पूरे दिन में इस तरीके से देना है कि आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी कवर कर रहे हो। ठीक है, अगेन मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2000 प्लस एमसीक्यू कोर्स जो है वो आपको इसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और 300 रुपये का सिर्फ वो कोर्स है, कोड वगैरह लगाओगे ना, हैप्पी 50 अभी डिस्काउंट चल रहा है, 300 रुपये का कोर्स है, वो परचेज कर लो, वो आपको बाकी के एग्रीकल्चर एग्जाम्स में भी एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी, तो ये एक पार्ट हो गया। अब एक ना आपके पेपर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मुझे दिख रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के एग्जाम में जो अभी 29 को होना है, वो है अभी आप सब जानते हो कि अक्टूबर का महीना जो है वो क्या है, फेस्टिवल सीजन है। आपका पेपर है 29 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को दिवाली वगैरह, तो पूरे का पूरा फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन, फैमिली, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एंजॉय करने का भी दिल करता है। तो ये बेटा इस बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। घर वाले कहेंगे क्या त्योहार तो साल में एक बार आता है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मम्मी या पापा पेपर भी, प्रीलिम्स एक ही बार क्लियर होता है, जरूरी नहीं है अगली बार भी क्लियर हो, नौकरी का सवाल है। इस बार पेपर क्लियर हो गया तो अगले साल डबल दिवाली बना लेंगे, है ना। तो ये इस बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना सैर सपाटा जो है वो होता है। इस उम्र में क्या होता है कि फेस्टिवल टाइम है, लाइट्स वाइट्स, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मार्केट में घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारनी है, तो वो तो सब बेटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। घर पे बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी कहती है चलो गिफ्ट्स दे के आने हैं फ्रेंड्स को, मम्मी को हाथ जोड़ करके कहना पड़ेगा मम्मी मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती। अगर मम्मी गालियाँ देती हैं तो वो गालियाँ सुननी पड़ेंगी, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालनी पड़ेंगी। आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि वो अभी आपकी पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप सही हो, तो अगर बागी भी होना पड़े तो बागी हो जाओ। देखो सीधी सी साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर बागी होना पड़े ना, जैसे लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि यार दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई भी करवानी है, घर के काम भी करवाने हैं, लड़कियों के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है इस काम के अंदर जिनका पेपर क्लियर हुआ है। तो लड़कियों को भी मैं यही कहूँगा बागी हो जाओ। मम्मी कहेगी कि घर की सफाई नहीं होगी तो लक्ष्मी कैसे आएगी घर पे, तो कह देना मम्मी अगर सफाई करने के चक्कर में लक्ष्मी वैसे चली जाएगी घर से, 1 लाख रुपये महीने की सैलरी है। बताना मम्मी को, समझाना, नहीं समझते तो बागी हो जाओ। गालियाँ देंगे बुरा नहीं लगाना, गालियां देंगे बुरा नहीं लगाना, ये समझ लेना कि जनरेशन गैप है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। तो गालियां देंगे बुरा नहीं लगाना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, अपना काम शुरू कर देना। जब पेपर क्लियर हो जाएगा ना तब अपने आप समझ जाएंगे वो इस बात को। उल्टा पड़ोसियों को जा जा करके बोलेंगे हमने तो अपने बच्चे को तंग नहीं करा, हमने नहीं पढ़ाई के बीच में आने दिया, बाकी लोग कराते हैं अपनी लड़कियों से काम, हमने नहीं कराया, हमने कहा बेटी पढ़। ठीक है, तो पेरेंट्स की बात का बुरा नहीं लगाना है, इस महीने इस साल के त्योहारों को सेक्रीफाइस कर देना है। ठीक है, अब कल दशहरा है, रावण जलता देखने चले जाओ, 4-5 घंटे वहां पर लगाया हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ फैमिली के साथ बीच में आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करना है तो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेजरली सीधे साफ शब्दों में सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और जिन्होंने पिछला 1 महीना अपना बिता दिया है इंतजार में, कुछ पढ़ाई नहीं किया, वो तो 1 घंटा भी नहीं डिजर्व करते फैमिली के साथ, अब उनका तो 1 महीना। देखो मैं सीधे शब्द बोलता हूँ, कई बार वो थोड़े कड़वे लग जाते हैं, लेकिन सीधी बात यही है कि अब या तो त्यौहार बना लेना, फेस्टिवल बना लेना, या पेपर क्लियर कर लो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि दिवाली बनानी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर पेपर गया आपका, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल राइट। अब एक जाते हुए फाइनल मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ इंडिविजुअल, जिनके डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ये तो जनरल पॉइंट्स थे। जो जनरल स्ट्रीम्स वाले हैं ना उनको भी मैं ये बताऊंगा, वो भी ये स्कीम वाला पार्ट जो है उसको करना है उनको भी। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि स्कीम्स लिखो। अब जैसे कोई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अप्लाई किया है, ठीक है, आपको समाम स्कीम, इसके बारे में आप इसके ऊपर नोट लिखो। ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से किसी ने फिल किया है MIDH जैसी जितनी भी हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्कीम्स हैं, फिर उसको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे, जैसे कल 2-3 बच्चों ने बोला कि सर मैं इस फील्ड से हूँ, इस फील्ड से हूँ, मैं उनको क्वेश्चंस दूंगा, आप भी बता सकते हो, आपकी फील्ड के लिए भी क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 2000+ नॉन वीडियो MCQ कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको परचेज कर लो। ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत हो मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा लगा, पॉइंट्स कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो कर देना, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।